नाम है जी आपका? सर मेरा नाम कुलदीप भाजवान है। अच्छा, क्या मामला है जो आप हॉस्पिटल में हंगामा कर रहे हैं? हमारी माता जी यहाँ पे एडमिट है गंगापुर हॉस्पिटल में। हाँ, और 8 दिन से मैं देखता रहा हूँ सर कि यहाँ पे लापरवाही है, इसलिए मैं आज डिस्चार्ज कराने के लिए यहाँ पे रेफर कराने के लिए एम्बुलेंस की, तो उसके बाद में इनका पेमेंट आया और पेमेंट इतना अवैध रूप से जोड़ रखा कि ऑक्सीजन का चार्ज 96,000 रुपये, 500 रुपये पर घंटा के चार्ज से इन्होंने ऑक्सीजन का चार्ज जोड़ रखा है। और कहने पर जो है ये कहा कि इतना पेमेंट करना पड़ेगा। कितना पेमेंट सर? 2-2.25 लाख रुपए के आसपास उनका बिल है। हाँ। और जिसमें 1 लाख रुपए ऑक्सीजन के और डॉक्टर साहब की पर विजिट। हाँ। 24 घंटे की एक दिन में 2 बार आते हैं, 4,000 रुपए उनका विजिट का है। बताया कितना था? और सर दवाइयों का भी कोई छूट नहीं है। बताया कितना था विजिट चार्ज? सर हमें ये काउंटर से पता चला था कि 5,000 रुपए ICU चार्ज है पर डे का। हमें ये नहीं बताया गया कि ऑक्सीजन का चार्ज अलग लगाएंगे। हमें ये बताया गया था कि पर विजिट 2,000 रुपये आपके डॉक्टर के है, लेकिन 4,000 रुपये पर डे विजिट के लगा के रखे हैं। 10,000 रुपये सर इमरजेंसी चार्ज लगा हुआ है, जबकि नोटिस बोर्ड पे चिपका हुआ है कि OPD चार्ज 2,000 रुपये है और 5,000 रुपये इमरजेंसी चार्ज है। अच्छा, तो शिकायत नहीं करी इसकी आपने? सर मैंने शिकायत की 9 बजे से, मैंने DM साहब का नंबर मिलाया, काफ़ी समय तक नंबर नहीं मिला, उसके बाद में नंबर लगा तो मेरी बात हुई DM ऑफिस पे। कोई बंदा बोला था, उन्होंने मुझे नंबर दिया CMO साहब का, CMO साहब का मैंने नंबर लगाया काफ़ी समय तक, वो पहले मिला नहीं। उसके बाद में मेरी डॉक्टर सुशील से बात हुई, उन्होंने मेरी हेल्प ये की कि आप मेरी बात कराओ। मैंने उनसे बात कराई और उनके बावजूद बात करने के बाद भी डॉक्टर साहब अपनी जिद पे अड़े हुए हैं कि इतना पेमेंट है वो दे के जाना पड़ेगा तभी आपका पेशेंट यहाँ से भेजा जाए। रेफर नहीं कर रहे सर। कुछ हो गया तो फिर? अगर कुछ हो गया मेरे पेशेंट को
तो ये हॉस्पिटल की जिम्मेदारी होगी, डॉक्टर साहब की जिम्मेदारी होगी। मैम एक गंगा अमृत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक मामला आया है कि ऑक्सीजन के 500 रुपये घंटा चार्ज किए गए। क्या अभी संज्ञान में एक मैटर लाया गया है जहाँ पे गंगा अमृत में एक लेडी एडमिट थी और बहुत ज़्यादा हाई रेट के बिल्स बताए जा रहे हैं जो उनको दिए गए हैं, जिसमें ऑक्सीजन का चार्जेस भी काफ़ी ज़्यादा लगाया है और डॉक्टर्स की कंसल्टेशन भी जो है वो डेली लगाई गई है, विजिट जो है उनकी डेली लगाई गई है। इसका संज्ञान लिया गया है। अभी मैं SDM साहब को निर्देशित कर देती हूँ कि संबंधित पार्टी से जो है दस्तावेज ले लें, जो भी उनको बिल्स प्रोवाइड किए गए हैं उसकी एक कॉपी ले लें और फिर एक टीम बना के उन बिल्स की जो है हम लोग एक जांच करा लेते हैं। यदि ज़्यादा रेट लगाया गया है जो नहीं लगना चाहिए था तो बिल्कुल हॉस्पिटल के विरुद्ध जो है नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, कोई MBBS डॉक्टर नहीं है, BAMS डॉक्टर भी वहाँ पर इलाज कर रहे हैं, ये भी आरोप है। इस आरोप की भी जांच करा लेते हैं। वैसे गंगा अमृत हॉस्पिटल जो है कोविड के समय में भी यहाँ पे इलाज होता रहा है और यहाँ पे डॉक्टर्स अच्छे बताए जाते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो चलाते हैं, बट उस समय अगर डॉक्टर मौजूद नहीं थे या अवेलेबल नहीं थे इलाज के लिए तो उसकी बिल्कुल जाँच करवा लेते हैं।